हेलो फ्रेंड्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन की सेकंड वीडियो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे हम अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट डिस्कर फॉर्मेट डिस्कस करेंगे अकाउंट्स में हर टॉपिक में हर चैप्टर में एक अलग फॉर्मेट है और आप लोगों को वो फॉर्मेट बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए फॉर्मेट अगर आप ढंग से नहीं बनाएंगे तो मार्क्स कट हो सकते हैं ठीक है तो हम पहले आज फॉर्मेट की बात करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की हमने डिस्कस किया था बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन होती है हमारी एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल अब हम इसे फॉर्मेट में पुट कैसे करेंगे वो हम समझेंगे हमारा पहला कॉलम होता है सीरियल नंबर या फिर डेट ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि अगर क्वेश्चन में सीरियल नंबर दिया है तो आप यहाँ सीरियल नंबर पुट करेंगे अगर क्वेश्चन में डेट दी है तो आप यहाँ डेट पुट करेंगे देन पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स में अभी आगे मैं आप लोग को बताऊंगी कि कैसे फिल करना होता है अभी हम सिर्फ फॉर्मैट डिस्कस कर रहे हैं देन हम यहाँ ऊपर लिखेंगे हमारी बेसिक अकाउंटिंग क्वेश्चन दैट इज एसे इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल ये हमारी बेसिक अकाउंटिंग क्वेश्चन होती है कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल एक और लाइन खींचेंगे अब जो भी अलग अलग एसिड्स आते जाएंगे उनके हम यहाँ पे अलग अलग कॉलम बनाते जाएंगे जो अलग अलग लाइबिलिटीज़ आती जाएंगी उनके हम कॉलम लाइबिलिटीज़ में बनाते जाएंगे ठीक है अब इसके हम ट्रांजैक्शंस डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू